मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में वो हिम्मत हो कि आप इनकी पूरी बात दिखाएं। मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, पर आगे आने वाला समय भी आप समझ जाइए। कांग्रेस का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ यह विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूँ राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, आपको ताजुब होगा सुन के कि केवल 3 दिन पहले मैंने दीपक जोशी जी से फोन पर बात करी। उसके पहले मेरे उनसे फोन पर कोई बात कांग्रेस में प्रवेश करने की नहीं थी, ना इन्होंने करी ना मैंने करी। ये बात सच है दीपक जोशी जी के लिए नहीं, जब स्मारक की बात आई, कैलाश जोशी जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, एक सामाजिक सेवक, समाज सेवक थे। मेरे साथ संसद में रहे 10 साल, मेरे साथ संसद में रहे, मैं उनके साथ बैठ के चाय कॉफी सेंट्रल हॉल में पीता था और मुझे ताज्जुब होता था कि ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, ये राजनीति में कैसे हैं? इनकी जो समाज सेवा की भावनाएं थी उन्होंने, उसने मुझे प्रेरित किया। बहुत दफे आप बैठते थे सेंट्रल हॉल में, तो जब दीपक जोशी, जब कैलाश जोशी जी के स्मारक की बात आई, ये दीपक जोशी जी के लिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कैलाश जोशी जी जो एक समाज सेवक थे, मैंने जो कदम उठाए उनकी याद करना है। मैं चाहता हूं कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में भी हो जो सामाजिक मूल्यों के रक्षक हो, जो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है। आज के दिन तो आप जानते हैं राजनीति में ईमानदार रहना भी बहुत मुश्किल हो गया है, पर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, जिनके केवल अपने सामाजिक मूल्य नहीं थे, परिवार में वो सामाजिक मूल्य थे और उन्होंने सामाजिक मूल्यों को की हमेशा रक्षा करी, समाज में रक्षा करी। तो कैलाश जोशी जी जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल के हों, आज हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज ये सोच नहीं, आज हमारी राजनीति कहां घसीटी जा रही है, ये आज हमें चिंता का विषय है कि राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक मूल्य अपनी जगह है। हम इन नौजवानों को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि सामाजिक मूल्यों की कोई कदर नहीं, अपना देश बसा हुआ है सामाजिक मूल्यों, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जिसके इतने सामाजिक मूल्य हो। देख लीजिए कहीं भी आसपास देख लीजिए, विदेश की तरफ कोई देश देख लीजिए, कोई सामाजिक मूल्य जो भारत के हैं वो नहीं। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक नहीं है, पर राजनीति के लिए ऐतिहासिक है, राजनीति के लिए ऐतिहासिक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।